वजीर आजम की आमद से कबल इंतजामिया की फुर्तियाँ, गवर्निंग बॉडी की मंजूरी ना कोई टेंडर, रेलवे स्टेशन से मुल्हेगा सड़क को रातों रात लश पश्त कर दिया, सड़कें दो साल से टूट फूट का शिकार थी। रेलवे इंतजामिया और शहरियों की शिकायत के बावजूद पहले आला हुकाम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वजीर आजम रेलवे स्टेशन पर कल जिना एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन तरक्कियां देने का मुतालिबा, कॉलेज असातिज़ा का धरना चौथे रोज में जारी, कौम के मुमारों के मसाइल सुनने कोई ना आया, असातिज़ा का भी पढ़ाने से इनकार, पंजाब भर के कॉलेजेस में तालीमी निज़ाम शदीद मुतासिर, पढ़ाएंगे ना कहीं जाएंगे, असातिज़ा का हुकूमत को दो टोक जवाब, जिले इंतजामिया भी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम, एहतजाज के बायस फैसल चौक ट्रैफिक के लिए बंद, मॉल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना, इतराफ की सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। जब तक निसाब बेहतर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तीन तालीमी सिस्टम के बावजूद हम एक कौम नहीं बन पा रहे। अगर एक कौम बनना है तो हमें कौमी करिकुलम बदलना होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तकरीब से खताब। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं जामियात के रैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, ऐसा तरीका अपनाना होगा ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो सकें। साईं उस्मान गुजार बोल रहा हूँ। वजीर अला पंजाब का डेरा गाजी खान में शहरियों से वीडियो लिंक राबता, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दफ्तर आए साइलीन के मसाइल सुने, मौका पर ही मसाइल हल के लिए अहकामात जारी किए, बोले आवाम के मसाइल से आगाही और हल मेरा मिशन है, शहरियों से राबते जारी रखूंगा, गुड गवर्नेंस और पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। पुलिस की कार्रवाइयां बेसूद, शहर में खूनी खेल ना रुक सका, फैक्ट्री एरिया में एक और नौजवान के गले पर पतंग की डोर फिर गई, 30 साला समर शदीद जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल, डीआईजी ऑपरेशंस का वाके का नोटिस, एसपी कैंट शहबाज इलाही से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर खजाना की ज़ेर सदारत 9वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास, चारों सूबों के वज़रा खजाना और मुतालिका अफसरान शरीक, 6 वर्किंग ग्रुप्स कारकर्दगी से मुतालिक शुरका को ब्रीफिंग। पंजाब में नई जेलों की तामीर से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत का एक माह में जेलों की तामीर का काम मुकम्मल करने का हुक्म, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 10 रोज में मतलूबा फंड जारी करे, जस्टिस फारूक इरफान खान ने रिदा काजी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस, गिरफ्तार साबिक डीपीओ रायजाज और कामरान मुमताज अदालत पेश, ड्यूटी जज की रुख्सत के बायस केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, अदालत ने तमाम मुलजिमान को दोबारा जेल भेज दिया, रायजाज और कामरान मुमताज पर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्ज का इल्जाम है, नए प्रोसिक्यूटर। सब्जियों की कीमतें कम मगर रेट मार्केट में ज्यादा, सब्ज मिर्च 120 की बजाय 128 रुपए प्रति किलो में बिकने लगी, टमाटर 40 की बजाय 60 रुपए में फरोख्त, मटर की कीमत 40 की बजाय 55 रुपए मुकर्रर, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी कमी ना आ सकी, प्रति किलो 236 रुपए मुकर्रर। बच्चियों की तालीमो तरबियत पर खास तवज्जो देना होगी, कौम की बेटियों का मुस्तकबिल अब महफूज हाथों में है, पीटीआई तालीमी मैदान में इंकलाबी इकदामात करेगी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद की तकरीब तकसीम इनामात, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का खिताब। जामे बैतुल कुरान गुलबर्ग में जर्मन वफ्द की आमद, जर्मन वफ्द की मोहम्मद आसिम मखदूम और मुफ्ती आशिक हुसैन शख्स से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब के अमूर पर तबादला ख्याल, जर्मन वफ्द के कायद मिस्टर क्रिश्चियन का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। और जलानी पाक खुशनुमा फूलों से महक उठा, कुदरत के हसीन रंग देखने हैं तो जलानी पाक चलिए, 100 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश।